सुबह का जो नज़ारा होता है ना यार, एक नंबर अच्छा सा वाइब्स आ रहा है यार। तो वेलकम गाइस टू माय चैनल। मैं अभी अभी बाइक को स्टार्ट करके रखा हूँ तो थोड़ा वार्म अप हो जाए। न्यूट्रल में है फिलहाल बाइक, देख सकते हो अभी भी सूरज नहीं आया है, घर घर में लाइट जल रहा है, इससे देख सकते हो। तो लगभग 5:10 हुआ है, 5:10, और मैं पहली बार इतना जल्दी निकला हूँ घर से। पूरा रात सोया नहीं हूँ, कंप्यूटर के साथ बैठ के काम कर रहा था, डायरेक्ट वहाँ से उठ के मैं बाइक लेके निकल गया, सोया नहीं मैं। और देख सकते हो लो फ्यूल का इंडिकेटर दिखा रहा है, तो फ्यूलिंग भी कराना है। बहुत दिन हो गया है, लगभग 2-3 मंथ्स हो गया है मैं जल्दी नहीं उठ रहा हूँ। लगभग 11-12 बजे, 1 बजे दोपहर के टाइम में उठ रहा हूँ मैं नींद से। आज पहली बार मैं इतना जल्दी बाहर का सीन देख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा घूम के आते, देखते हैं आज का व्यू कैसा लगता है। मैं फिलहाल हाईवे पकड़ने वाला हूँ, सामने ही हाईवे है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा राइट की ओर इस तरफ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद बड़ा रिवर का ब्रिज है, ऊपर ब्रिज के ऊपर जाएंगे, देख के आते सीन कैसा है, उसके बाद जाऊंगा इस तरफ में। फिर तो पहले इस तरफ जाते हैं, देख के आते सीन की क्या है। पुलिस चेकिंग है, देख यहाँ बैरिकेड लगाया हुआ है। तो ये देख सकते हो भाई सीन, ओ भाई साहब, ओ भाई। तो सीन तो अच्छा है, तो शान भी नहीं आया फिलहाल, तो इतना गाड़ी भी नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा रुक के देख लेते, क्योंकि बीच में रुकना थोड़ा रिक्सी हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, तो यहाँ पर रुकेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देख लो यार व्यू, दोनों साइड गाड़ी नहीं है। अगर मैं लेफ्ट लूँ ना तो इस नीचे वाले रूट से जाएंगे हम लोग। आप सबसे भयंकर सीन यार, जो गाड़ी गया था ना अभी, पूरा ब्रिज सस्पेंशन कर रहा है यार। मेरा जो बाइक का स्टैंड है ये भी पूरा वीक है, तो ये बाइक गिरने वाला था, मैंने पकड़ लिया है, तो अभी भी चेक कर रहा है। माल का हालत जो है पूरा खराब हो गया है। इतना टाइम नहीं रुकेंगे क्योंकि मैं सिर्फ निकला हूँ घर से देखने के लिए सीन, मॉर्निंग का सीन कैसा है कि बहुत दिन मैंने नहीं देखा है। वहाँ से आने के बाद मैं राइट में जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा सॉरी, अब फिलहाल फिर से मैं राइट लिया है। तो आगे पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल, तो मैं पहुँच गया, और ठंड लगना स्टार्ट हो गया भाई। पहले तो ठंड इतना नहीं लग रहा था, अब फिलहाल ठंड लग रहा है, फीलिंग तो हो गया। तो फिलहाल करते हैं थोड़ा घूम लेते हैं। फिलहाल मैं एक छोटा सा दुकान में रुका हूँ, तो फिलहाल 2 पनीर भुजिया लिया है, उसको खाएंगे, इसके बाद निकलेंगे। तो सीधा चलते, यार यार रोड पूरा खाली है, और जिस रास्ते से मैं घर से निकल के आया हूँ ना, तो उस रास्ते से मैं नहीं जाने वाला, मैं और एक रास्ते से जाने वाला हूँ। तो ये देखो यार सीन, यार भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का सीन है यार। सुबह का जो नज़ारा होता है ना यार, एक नंबर अच्छा सा वाइब्स आ रहा है यार। तो ये रोड देख के आप लोग पहचान गए होंगे कौन सा वाला रोड लिया है मैंने। थोड़ा आगे जाने के बाद वो वाला जगह आ जाएगा जहाँ पर मैंने ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाया है। यार जो सीन है ना यार, यहाँ का एक नंबर, बाइक को यार रख दिया है, और पीछे देख सकते हो धूप, यह देखो यार। और यहाँ पर मैंने किया था ऑफ रोडिंग, और देख सकते हो कोहरा ही कोहरा, तो बहुत अच्छा सा वाइब्स आ रहा है। और वहाँ पर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो मैं घर से निकल के डायरेक्ट मैं मोटो ब्लॉक में आ गया हूँ, स्टार्ट नहीं किया ब्लॉक को सॉरी, और इसलिए स्टार्ट नहीं किया। मेरा जो एम था जल्दी से निकलना, निकल रहा था वो अंधेरा था, निकलते निकलते बाइक को वार्म अप करते करते थोड़ा सवेरा हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था,
तो नहीं कर पाया, तो जब बाइक में आ गया तो सोचा नहीं स्टार्ट कर लेते ब्लॉग को, तो यहाँ पर रुकते हैं 2-3 मिनट और थंबनेल के लिए भी पिक्चर क्लिक कर लेंगे। और घर में जाने के बाद ब्रेकफास्ट भी करना है, थोड़ा भूख भी लगा था इसलिए मैं वहाँ पर भुजिया लेके खाया, पनीर भुजिया लिया था। जो भी नया हो मेरे वीडियो में, ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब या कर दो यार, सब्सक्राइब करना तो फ्री है, सब्सक्राइब को जो बटन है ना दबा दो, रेड कर दो, और जो वीडियो है देखो यार, प्यार दो यार, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा प्यार चाहिए आप लोगों से, और कुछ नहीं, आप लोगों को जो लाइक कमेंट करते हो ना उससे बहुत मोटिवेट मिलता है। और तो अब निकलते हैं, धूप भी उठ गया है, देख सकते हो धूप भी आ गया है ऊपर, और जो सीन होके रखा ना इधर का एक नंबर यार। तो सीधा घर चलते, तो मैं जहाँ पर ऑफरोडिंग किया था ना वो वाला प्लेस थोड़ा आगे है वहाँ पर। घर में तो मैं पहुँच चुका हूँ, तो फिलहाल मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, ठंड लग गए आते वक्त तो नाक से पानी गिर रहा है, तो ये रहा कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते फिलहाल और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। गाइस आप लोग सोच रहे हो कि हम फिलहाल कहाँ जा रहे हैं, तो एक्चुअली एरिया में घर के नज़दीक में से एक हाईवे सेंक्शन हुआ है, तो ये हाईवे बन के आ रहा है, तो हाईवे कितना तक बन के आया है ये देखने के लिए हम लोग बैठने के निकले, और मेरे साथ में मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए रोड का काम कितना तक होके आया है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छा रास्ता आने के बाद थोड़ा बाइक अच्छे तरह से चला पाएंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो हम लोग ट्रैक के लिए वेट करते हैं, देखते हैं वाटर का डीप डेप्थ कितना है, और ये तो एक्सपास के लिए कुछ ही नहीं भाई, हम तो हमको ज़्यादा ही सोच रहे थे। तो फिलहाल फिलहाल निकलते हैं भाई साहब, हम तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि अब गड्ढा होगा कि नहीं। लोग जा रहे हैं वापस, फिलहाल घर में जा रहे हैं, ब्लॉक नहीं किए यार पर रुक कर वापस चले जा रहे हैं, आते वक्त इतना खराब रोड मिला, गड्ढा गड्ढा ही मिला भाई, बहुत पानी भरा गड्ढा, रोड का काम जो हो रहा है वहाँ लोकल कह रहे हैं कि इतना काम अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो वो लोग ने कंप्लेन भी किए है। ये देखो यार इतना पानी, तो पूरा पानी है पूरा भाई, भाई गाइस आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, इतना लंबा नहीं करते, तो आप लोगों को पता है ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी करो या अच्छा सा कमेंट कर दो, तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी।